नमस्कार, मैं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। लॉकडाउन कैसे हटे और उसके बाद कैसे काम शुरू हो, इसको लेकर फिक्की ने दिए अहम सुझाव। फिक्की ने केंद्र सरकार से सिफारिश की है कि लॉकडाउन को देश में धीरे धीरे खोला जाए, कोरोना फ्री जिलों में लॉकडाउन हटाने की शुरुआत हो। फिक्की ने रिटेल स्टोर्स को आंशिक तौर पर खोलने की भी सिफारिश की है। ई कॉमर्स और घरेलू उड़ानों को भी आंशिक तौर पर अनुमति देने की अपील की गई है। फिक्की ने किसानों समेत आम आदमी से जुड़े स्वास्थ्य आदि के मुद्दों पर भी केंद्र सरकार को सुझाव दिए हैं। फिक्की ने हाल ही में एक सर्वे किया। इस सर्वे में कहा गया है कि कारोबार में रिकवरी मांग की परिस्थितियों और कारोबार के सर्वाइवल पर निर्भर करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय का राज्यों को निर्देश, सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू खाने और थूकने पर लगाएं रोक। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को भेजे पत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है, गैर धूम्र रहित चबाने वाले तंबाकू, पान मसाला और सुपारी से शरीर में लार अधिक बनने लगती है और इससे थूकने की अत्यधिक इच्छा होती है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से कोविड-19 के प्रसार में तेजी आ सकती है। कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते खतरे के मद्देनजर भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा परिषद ने जनता से चबाने वाले तंबाकू के उत्पादों के सेवन से दूर रहने और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने की अपील भी की है। लॉकडाउन के दौरान कुछ जरूरी कामों को करने की गृह मंत्रालय ने दी छूट। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने मछली पकड़ने, जलीय कृषि उद्योग के संचालन को लॉकडाउन के दौरान काम करने की रियायत दे दी है। इसी के साथ गृह मंत्रालय की ओर से फसलों की कटाई, सेल्स और मार्केटिंग, कोल्ड चेन, पैकेजिंग और फूड प्रोसेसिंग को भी लॉकडाउन के दौरान काम करने की छूट दी गई है। हालांकि इस आदेश में काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन प्रैक्टिस का विशेष ध्यान रखने की भी हिदायत दी गई है। आदेश में कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। लॉकडाउन के बीच एयरलाइन कंपनियों ने ली एक दूसरे की चुटकी, ट्विटर पर किए मजेदार कमेंट। संवाद की शुरुआत इंडिगो ने की। इंडिगो ने विस्तारा की चुटकी लेते हुए कहा, एयर विस्तारा, हमने सुना है कि इन दिनों ऊंचे नहीं उड़ रहे। विस्तारा ने जवाब देते हुए कहा, इन दिनों जमीन पर रहना सबसे बढ़िया बात है ना इंडिगो, उड़ना कोई अच्छी बात थोड़ी ही है, क्या कहते हो गो एयर। गो एयर ने विस्तारा की बात का समर्थन करते हुए एयर एशिया इंडिया को टैग कर दिया। स्पाइस जेट ने कहा, यह जानकर अच्छा लगा कि हमारे रंग की तरह हमारे विचार भी मिलते हैं। स्पाइस जेट ने दिल्ली एयरपोर्ट को टैग करते हुए लिखा कि पक्षी पिंजरे से कुछ वक्त से नहीं निकला, लेकिन हमें खुशी है कि आज हम एक सुरक्षित कल बना रहे हैं, है ना दिल्ली एयरपोर्ट। इस पर दिल्ली एयरपोर्ट ने चारों एयरलाइंस को टैग करते हुए जवाब दिया, आप सभी से सहमत हैं, भारत का आसमान आपके रंगों से जल्द रंगीन होगा, लेकिन फिलहाल हमें मुस्कुराने की वजह देने के लिए धन्यवाद। आसमान में साथ और जमीन पर भी साथ। फोर्ब्स के अरब पतों की सूची से अनिल अंबानी बाहर, मुकेश 21वें नंबर पर। फोर्ब्स ने 2020 के 295 अरब पतियों की सूची जारी की है। इस लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 21वें नंबर पर हैं। वहीं उनके छोटे भाई और रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी का नाम इस सूची में नहीं है। एक दशक से अधिक समय तक हर साल जब फोर्ब्स दुनिया के सबसे बड़े अरबपतियों की सूची जारी करता था तो उसमें दोनों अंबानी भाई होते थे, जबकि अरबपतियों की सूची में 102 भारतीय उद्योगपति शामिल हैं। बीसीसीआई ने चुकाई क्रिकेटरों की बकाया राशि, कहा मुश्किल समय में नहीं होने देंगे किसी को परेशान। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों की तिमाही बकाया राशि का भुगतान कर दिया है। साथ ही कहा है कि कोविड-19 के कारण बनी अनिश्चितता के बावजूद वह किसी को परेशान नहीं होने देगा। कोरोना वायरस के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के वेतन में कटौती के संकेत दिए हैं। ऐसे में बीसीसीआई द्वारा चुकाई गई रकम से लगता है कि यह खिलाड़ियों की अच्छी तरह से देखभाल करने में सक्षम है। अमिताभ बच्चन को हो रही है अंधेपन की चिंता, बोले अब आंखें थक गई हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा है, आंखों को अब ब्लर इमेज दिखाई देती है, डबल भी दिखाई देता है। अब कुछ दिन से मैंने मान लिया था कि ब्लाइंडनेस आने वाली है, इसके साथ लाखों हेल्थ प्रॉब्लम्स पहले से ही हैं। बिग बी ने बचपन की बातें भी याद की कि कैसे उनकी माँ आंख में कुछ पड़ जाने पर पल्लू से गोला बनाकर इस पर फूंक मारती थी, इसमें गर्माहट लाकर आंख को ठीक कर देती थी। अमिताभ ने यह भी बताया कि उनके डॉक्टरों ने भरोसा दिलाया है कि वह अंधे नहीं होंगे, वह स्क्रीन पर ज्यादा वक्त दे रहे हैं, बस इसी वजह से ऐसा हुआ है। अमिताभ हर घंटे डॉक्टर की बताई दवा भी डाल रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव।